हेलो एवरीवन, पीसीएस इन शॉर्ट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पुरी रथ यात्रा। तो आगे बढ़ें, इससे पहले जान लेते हैं ये हालिया खबर में क्यों है। तो दरअसल हाल ही में पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी साथ निकला। अब बात क्योंकि पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा की हो रही है तो उसके बारे में नजर डालते हैं। तो दरअसल ये ओडिशा का एक वार्षिक तौर पर मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। इसे उड़िया कैलेंडर के अनुसार हिंदू वर्ष के तीसरे महीने यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से मनाया जाता है। इस रथ यात्रा का आयोजन 9 दिनों तक होता है और इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम या बलभद्र और बहन सुभद्रा गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जो कि भगवान की मौसी का घर माना जाता है, जहां वे 9 दिनों के प्रवास का आनंद लेते हैं। इस रथ यात्रा के वापसी महोत्सव को बहुधा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं और इसे नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र का रथ 14 पहियों वाला बना होता है, जिसे तलध्वज कहा जाता है। वहीं देवदलन के नाम से जाने जाने वाले सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। तीनों रथों का निर्माण हर साल विशिष्ट पेड़ों जैसे फस्सी, ढोसा आदि की लकड़ी से किया जाता है। प्रत्येक रथ के चारों ओर 9 पार्श्व देवता होते हैं। प्रत्येक रथ में एक सारथी और 4 घोड़े होते हैं और साथ ही रथों के ऊपर अलग अलग रंग के मंडप होते हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ पीला लाल मंडप वाला होता है, वहीं बलभद्र का रथ लाल, नीला और हरे रंग के मिश्रण का होता है, जबकि देवी सुभद्रा का रथ लाल और काले मंडप वाला होता है। गौरतलब है कि भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, जबकि देवी सुभद्रा का रथ सबसे छोटा होता है। आइए अब इस सब के बाद बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की। तो पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए पवित्र चार धामों यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। मुख्य मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोट गंगा देव ने 12वीं शताब्दी में कराया था। ये एक महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर है जो श्री कृष्ण के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमुनिका तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस मंदिर को श्वेत शिवालय भी कहा जाता है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। पूर्वी सिंह द्वारा, जो 2 झुके हुए शेरों के साथ मुख्य द्वार है, जबकि दक्षिणी अश्व द्वारा, पश्चिमी व्याघ्र द्वारा और उत्तरी हस्ती द्वारा है। इसके प्रत्येक द्वार पर प्रत्येक रूप की नक्काशी है। प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, बलभद्र तथा प्रतीक सुदर्शन की प्रतिमाओं को रत्ना देवी नामक ऊंचे स्थान पर रखा गया है। चलिए अब इस सब के बाद इसकी स्थापत्य कला पर नजर डालते हैं। तो ये मंदिर कलिंग वास्तुकला की एक शानदार संरचना है और इस मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर ना बने। ये ओडिसी वास्तु शैली के पंचरथ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूरा मंदिर परिसर 2 दीवारों से घिरा है, मेघनाथ पचीरा और कुर्मा भेदा या आंतरिक दीवार। तो ये था आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न है उस पर नजर डाल लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में किया गया था? ए पुष्यभूति वंश, बी गुप्त वंश, सी गंग वंश या फिर डी मौखरी वंश। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।